भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आढ़ावा सभा नागपुर में संपन्न हुई, जिसके बाद कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने मीडिया से बात की। उस समय उन्होंने कहा कि मुद्दों पर चर्चा की। इस समय सभा में हुए हंगामे पर सवाल पूछने पर उन्होंने हंगामे वाली बात को साफ नकार दिया और कहा कि मीडिया स्थिति को जिस तरह से बता रहा है वह स्थिति वैसी नहीं थी। देखो, हमारे जो संगठनात्मक जिले जो है ये 12 है यहाँ पर, और उसी आधार पर जो मीटिंग जब शुरू हुई तो सबको कम कम समय, क्योंकि विभागीय मीटिंग थी। मैं खुद एक महीने के बाद हर जिले में जाने वाला हूँ। जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर जो हमको AICC ने दिया है, हमारी नेता सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में जो चिंतन बैठक हुई थी उसका पालन हमको करना है। इसलिए अड़ावा में अब नागपुर शहर में बड़े पैमाने में कार्यकर्ताओं में गर्दी थी, सबको बोलना था, लेकिन कम समय की वजह से हमने मीटिंग खत्म करने के बाद कुछ कार्यकर्ताओं को बोलने की इच्छा थी, उसमें वो माइक गिरा और उसी के आधार पर कोई उसमें विवाद खड़ा नहीं हुआ। विवाद मीडिया में बताया गया। मेरे अभी अपोजिशन लीडर हमारे साथ थे, उन्हें कहा कि एक मीडिया में दिखाया जा रहा है कि उनको बोलने नहीं दिया करके विवाद खड़ा हुआ। वही सब्जेक्ट यहाँ पर नेताओं का भाषण ही नहीं था, वो उन्हें भी उस मीडिया के संपादक से बात सही और थोड़ी देर में वो बंद ही। मेरा कहना है कि ये जो परिस्थिति है उस तरह की नहीं है, इस तरह से बनाया जा रही है, कहीं भी गुटबाजी नहीं है और कांग्रेस एकजुट मिलकर महाराष्ट्र में काम करने की।